प्रथम तहलका न्यूज। फतेहाबाद में इलाके के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली घग्गर नदी इन दिनों किसी श्राप से कम नजर नहीं आ रही है। दरअसल घग्गर नदी से उठ रही दुर्गंध के कारण रतिया और आसपास के गांवों में लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया है। घग्गर नदी के किनारे बसी कॉलोनियां, खासकर हनुमान चौक और वार्ड नंबर 2, 3, 4 की हालत बदतर हो चली है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। घग्गर नदी में बहकर आने वाले फैक्ट्रियों के अवशेष और केमिकल वाले पानी ने लोगों के जीवन को नरक बना रखा है। लोगों का कहना है कि यहाँ इतनी गंदगी और बदबू है कि लोग अपने घरों में भी नहीं रह सकते। घग्गर नदी का हमें इतिहासकारों से पता चला है कि ये घग्गर नदी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 4 स्टेटों से होकर गुजरती है, और इतिहासकारों ने यहाँ तक बताया कि जो ये घग्गर नदी है इसके ऊपर कभी वैसाखी के मेले लगा करते थे। लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए 13 अप्रैल को जो वैसाखी मनाई जाती है उसके विरासत को जिंदा कर रखने के लिए इस पर नाच गाने मेले लगा करते थे। और इसके अलावा इस नदी पे जो हमारे ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्र लिखे हैं वो इसी नदी के किनारे बैठ कर लिखे गए थे। और इसके अलावा जो तैमूरलंग यहाँ से मुगल शासक यहाँ से ही गुजरा था, तैमूरलंग इसी नदी से पार करके वो गया, तो अगर वो इस इतिहास के माध्यम से ये देखे तो बहुत बड़ी नदी, ये बहुत बढ़िया नदी थी और बहुत ही बड़ी हिंदुस्तान की नदी थी। तो ये है कि टीमें आती हैं जाती हैं, पिछले 15 साल से देख रहे हैं हम NGT की टीमें, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली इंडिया जो बना हुआ है उसकी टीमें भी आई, चंडीगढ़ से CM फ्लाइंग की टीमें आई, और पिछले 15 सालों से हम ये देख रहे हैं भी टीम आती और चली जाती है। सवाल तो ये है, यहाँ के जो लोग हैं ये कह रहे हैं भी इसके नीचे से पाइप दबाई जाए और गंदा पानी जो अपने आप साफ निकल जाए। अब जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसी की बदबू पूरे रतिया शहर को लिख रही है। इलाका वासियों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन से लेकर शासन तक आवाज उठा चुके हैं, मगर घग्गर अब एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। इसका कोई ठोस समाधान नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के कारण जहां सब तरफ हाई अलर्ट है, लेकिन फिर भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वही इसको लेकर पार्षद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये घग्गर नदी की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है, इसी के कारण यहाँ बीमारियाँ फैल रही है। ये समस्या प्रशासन को जल्द से जल्द, प्रशासन को इसके बारे में जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए, और हमारी गुजारिश है प्रशासन से कि इसका समाधान अगर ना हुआ तो यहाँ बीमारियाँ भी फैलेंगी और ऐसी बीमारियाँ फैलने का खतरा है जिसका कोई समाधान नहीं है। अभी भी बच्चों को, घर वालों को बैठने में, सुनने में, यहाँ खड़े होने में इतनी दिक्कत हो रही है। अभी भी इतनी स्मेल आ रही है इस पानी की, गंदे पानी की, फैक्ट्रियों के पानी की। प्रशासन को इनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज क्या है, जो नाली के समीप घर बस रहे हैं उन बंदों को घर में बैठकर रोटी खाने के लिए भी मुश्किल हो रही है। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।